कि फतेह गुरमत सेवा जथा साहब श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिहाड़े पर दंडौत करने लई उस शहीदी स्थान पर पुजा। पर नाल असी हुण महाराजा रणजीत सिंह का किला जिथे खालसे ने तकरीबन 50 साल राज किया केसरी निशान साहब झूलिया जिथे बड़े उतार के चढ़ा देखे और विसाखियां दिवालिया के उत्ते एक ही रूपा नाल केसरी निशान साहब नूं सलामियां दित्तियां जांदियां सीगियां उस स्थान के उत्ते बिल्कुल किले के नाल वाल बाहर खड़े हैं। तुसीं कैमरे की अखां देखो तो तुहानूं नज़र आएगा सामने गेट वो पुराना गेट जिहड़ा पुराने पिपल वांगू उभरिया हुआ लगता पर यह गेट अपने आप बड़ा वड्डा इतिहास सुमई बैठा है। ये गेट का नाँ है रोशनाई गेट। लाहौर के 12 गेट होंगे सन टोटल गुट अकबर के वेले तो लैके महाराजा रणजीत सिंह के वेले तक और यह गेट जो हों किले के अंदर जाने की खास बंद गेट सेगा महाराजा रणजीत सिंह का वेले उन्हों का परिवार ही नहीं जा सकता सी उन्होंने पुत्र जा सकते सी महाराजा रणजीत सिंह जो वे जरनैल से वे एहलकार वो प्रधानमंत्री उन्होंने जेडे श्री रिजिजू जी वर्गे व्यक्ति उन्होंने सलाहकार सज्जन नदवी वर्गे जरनैल काजी फूला सर सिंह वर्गे जरनैल और जा जे उन्होंने नाल जुड़े हुए नवाब सन वो जा सकते सन। सो ये गेट इस उन्होंने खास गेट होता है रोशनाई गेट के तौर पर जाने जाता है। इको एक लाहौर के 12 गेटा 11 गेट रात को बंद कर दिए जाते सन पर यह गेट फिर भी खुला रहता पहला होंगे जी बेशक पर 24 घंटे खुला गेट यह हों और अज हालात यह है महाराजा रणजीत सिंह तो बाद खालसा राज जाने तो बाद कि बाकी 11 गेट खुले आ पर 24 घंटे उन्होंने सदा नहीं बंद कभी 24 घंटे गेट खुला रहता है बाकी गेट रात को बंद हो जाते हैं पर हूँ बाकी सारे गेट 24 घंटे खुले होंगे एक आह गेट आ जो 24 घंटे बंद रहता है ये राज जुड़िया हुई ये खुला सी खालसे की किस्मत खुली तो गेट बंद हो ही खालसे की किस्मत इस तरह के राज पक्षों बंद हो गेट का जो खास इतिहास मैं तुम्हें साझा करना कि जो महाराजा रणजीत सिंह जी काल चलाना कर गया उन्होंने बाद उन्होंने पुत्र खड़ग सिंह महाराजा बनाया गया पर इतिहासकार ये गल कहें कि खड़ग सिंह ओडा लायक नहीं सी पर महाराजा रणजीत सिंह का जो पोता कवरना उन्हें हाल सिंह बहुत लायक पता से बहुत बड़ा जरनैल से चीन जंग भी जी चीनी चीन जी भी हमला करे वह मुकाबला कितना करना वो सारी तैयारी कवरना उन्हें हाल से कर पठाना के बन्ने हरि सिंह के लाल जाके जो जंगा लड़िया ही कवरना उन्हें हाल से लड़िया से वड्डिया मुहिमां से महाराजा सिंह का पोता जाता हूँ छोटी उम्र के लोग कहते कि महाराजा रणजीत तो बाद जो वो वर्गा कोई वह वारिस भी कवरना उन्हें बाबा खड़ग सिंह के ज्यादा वो गुण है नहीं पर खड़ग सिंह बड़ा सहजादा से इस वक्त जो राज देता गया महाराज सिंह का पुत्र सेगा तो खड़ग सिंह क्योंकि कमजोर किस्म का बंदा सी ध्यान सिंह ने एक तरह का सारा ही जो प्रधानमंत्री डुबरा सारे का सारा कब्जा कर लिया सलाहकार बन के बैठ गया घर परिवार की भी जिम्मेवारी वो गई तो राज की जिम्मेवारी भी ध्यान सिंह डुबरा कर लग पाया नाल खड़ग सिंह हौली हौली जहर लेके मारना शुरू कर दिता खड़ग सिंह खड़ग सिंह झल वसिया राजगद्दी से बैठन तो साल 2 साल ही जो झल वसिया तो वह जीवन संस्कार करके आना सी ध्यान सिंह ने स्कीम बनाई कि संस्कार करके जो वापस आना है कवरना उन्होंने उस दिन मार दिए राज गया कवरना उन्होंने राज गद्दी हो गई थी वो वापस आ गया उन्होंने राज हो गया पर जान तो पहले बना अब कवरना उन्हें आज राज होना जा हो गया तो इस करके उन्होंने राज से बिठाने को पहला इन्हें मार ही नहीं खड़ग सिंह का संस्कार करके आना महाराजा खड़ग सिंह का तो महाराजा कवरना उन्होंने मारन की स्पीच फिर बना ली अपने भाव भतीजे सारे सद लै कि आप स्कीम बनाने स्कीम बनाई थी जो रोशनाई गेट है ये उत्ते जो छज्जा आ सारा वो छज्जा बहुत भारा आया वो उत्तों देख दिता जा थले जो आगे इतने कवरना उन्होंने उन्होंने सद्या कि ना अपना लगूगा जो छज्जा डिग रहा भावना बहुत लोग आए हुए थे करके छज्जा डिग रही है तो कवरना उन्हें उस बहुत चतन किस्म का बंदा सी उन्हें ध्यान सिंह के भतीजे कुतुब सिंह वो सीम का व्डा बह फल उन्होंने नाल ही रखा भी जे तनाल चेतना बेटी गोली चलने बेटी कुमार तो मतलब कुतुब सिंह हो गए कुमार ना कहे ध्यान बड़ा प्यारा भतीजा सीना कुतुब सिंह नाल ही उन्होंने वो छुटे अपना हाथ चलावे पर कौना उन्हें फट रहे मेरे नाल ही जाना वो नाल ही लैके आया वो इस गेम का नाल ले सुचेत सिंह सगा ध्यान सिंह का दूजा भरा वो कहता भाई कुतुब
ਤੱਕ ਨਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਬਲੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੋਂ ਸੱਜਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਉੱਧਮ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਵਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਚੇਤੰਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਡੋਗਰਾ ਫੌਜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੇਵ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਮਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਭੇਤ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਕਵਰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੋਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਕੌਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜੀ ਕੈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੈਮ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵਧਣਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੌਂਪੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਐਲਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਆਉਣ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਲਕਾਰ ਦੂਜੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਚੌਵੀ ਗੇਟ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਆ, ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਗੇਟ ਦਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਗੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੇਟ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕਮਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਜਮੈਲ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਚਰਤਾਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸਰ ਅਤੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ।